गाड़ी का फिर कुछ चलने के बाद स्पीड बढ़ गया गाड़ी का ज़्यादा, तो गाड़ी के अंदर क्या कांड हुआ था कि ड्राइवर को गोली मार दिया था। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहा है, हमारा गाड़ी लोड नहीं हो पाया, दिन भर कुछ था नहीं, खड़े ही थे हम जगह पे, तो थोड़ा ब्लॉग आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, अभी शाम हो गया है। तो दोस्तों आज तो लोड हुआ नहीं, अब कल होगा। थोड़ा माल का प्रॉब्लम है, कंप्लीट कर रहा है, और बारिश का भी मौसम देखिए, पूरा मौसम पूरा गड़बड़ाया हुआ है बारिश का। कुछ लेबर बोलता आया नहीं था, उसके चलते लोड नहीं हो पाया है, अब कल ही होगा कंप्लीट। और एक सब्सक्राइब भाई हमसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को रास्ता का कैसे मालूम चलता है, तो रास्ता का ऐसा है कि कुछ तो महाराष्ट्र में तो हर जगह बोर्ड में लिखा हुआ है किधर जाना है क्या करना है, और मोबाइल वाला जो बता रहे हैं हम लोग कि मोबाइल ऐप देख के, तो मोबाइल तो मान लीजिए आज आया है ना, तो मोबाइल में जो GPS वाला जो है लोकेशन मिलता है, यहाँ ऐसे जाना वैसे जाना है, तो उसमें कुछ तो जानकारी रहता है हम लोगों को। कुछ कहीं ढाबे पर रुकते हैं तो ड्राइवर बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई वहाँ जाना है तो कैसे जाना है, तो वो ड्राइवर लोग ही बता देता है कि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, इस टाइप का ड्राइवर में ही हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसी टाइप का हम लोग रास्ता का पता चलता है। जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है, किसी फैक्ट्री का माल लेके गए तो जिसको जानकारी है वो तो चले गए, एक जो पहली बार जाता है जिस शहर में, तो शहर के बाहर में गाइड होता है, वो लोग हाथ देता है खुद गाड़ी वाला को, उनको 200-300 रुपया उनको खर्चा देना पड़ता है, तो वो सिटी के अंदर से फैक्ट्री के अंदर लेके चला जाता है, तो गाइड रहता है वहाँ जगह पे, पहुँचा देता है हम लोग को फैक्ट्री के पास में जा कर के। रही बात ट्रांसपोर्टिंग की लोडिंग का, तो वो ऐसा है कि हर जगह ट्रांसपोर्ट है, और सेठ लोग का जिस रूट पे गाड़ी जाता है सेठ लोग ट्रांसपोर्ट का नंबर रखता है, वो पहले ही बता देता है कि मेरा गाड़ी वहाँ जा रहा है, उधर से क्या माल आ रहा है, कितना आ रहा है, सेठ लोग बात कर लेता है। अब फिर जहाँ तक सेठ लोग जो बड़ा पार्टी है सेठ लोग ही बात करता है, जहाँ बड़ा पार्टी नहीं है तो ड्राइवर लोग खुद फिर कॉन्टेक्ट करता है, ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करते हैं, यार वहाँ जा रहे हैं तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट का नंबर देता है कि कहाँ जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, तो वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट है कि हाँ ट्रांसपोर्ट है उसका नंबर देना, तो ड्राइवर हम लोग आपस में नंबर ले लेते हैं। फिर अगर ग्रैंडेड का सवाल हुआ, ट्रांसपोर्टर खोजता भैया आप नया पहली बार आए हैं तो आपको कैसे माल दे दें, ग्रैंडेड चाहिए, तो फिर वो देते हैं ग्रैंडेड ट्रांसपोर्ट देते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसका देते हैं, जिस एरिया से हम आए हैं उस ट्रांसपोर्ट का देते हैं, इस टाइप का ग्रैंडेड में चलता है। गाड़ी कागज पत्र भी देखता है, गाड़ी कागज सब ओके है कि नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह देखता है, तो वो सब टाइप का देखा जाता है। और एक पूछे थे सैराट पिक्चर के विषय में, जो आप लोग बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बता दिए पूना का लोकेशन था, वो सीन था, हमको पता नहीं था पूना का था ही कहाँ का था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने सैराट का वो सीन के विषय बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब शाम हो गया, थोड़ा चाय नाश्ता का टाइम हो गया मेरा, तो देखते हैं बाहर में क्या मिलता है, क्या वड़ा पाव मिलता है कि मिर्ची भजिया। ठीक है दोस्तों, जाते हैं चाय पी जाते। ये देखिए बरसात है तो भाई पानी तो जहाँ तहाँ जम जा रहा है, इधर तो थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, ठंडा तो खैर झारखंड में नहीं है ऐसा, तो शाम शाम में हवा चलता है ठंडा लगता है, और यहाँ पंखा नहीं चलाना पड़ता है, उधर पंखा चलाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं बाहर अभी गेट के। ये देखिए बड़ा बड़ा सींग वाला भैंस, इतना बड़ा बड़ा सींग जो है भाई, तो लगा कोई कंपटीशन कर रहा है, ये लोग दौड़ रहा है, और देखो उसका टेढ़ा सींग, देखो ये देखिए इसका सींग, ये भाई मराठी भाई है, मराठ के सींग है ये, तीर तलवार का काम आ जाएगा ये देखो इसका सींग देखो, अरे बाप, लड़ेगा तो क्या होगा इसका। ये दोस्तों मेरा नाश्ता आ गया है, ये मिर्ची भजिया, ये मिसल पाव देख रहे हैं, ये यही हमारा नाश्ता है। पहले ये खाए हैं, अच्छा है, मिर्ची भजिया इसके अंदर मिर्ची लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों नाश्ता करते हैं अभी, ये नींबू मिर्चा को प्रॉब्लम देता है। दोस्तों गाड़ी तो लोड हुआ नहीं आज, थोड़ा माल कमी हो गया,
तो तैयार कर रहा माल, लोड हो ही जाएगा, तो आज नहीं कल होगा, शाम में चला गया सब लेबर सब। तो मौसम थोड़ा ठंडा किया हुआ है, तो लड़का लोग बोला कि चलो आज अंडा बनाया जाए, तो आज अंडा कड़ी और रोटी यही बनेगा मेरा। मौसम भी ठंडा है, बारिश किया हुआ है। दोस्तों खाना तो बना रहे हैं, अंडा कड़ी, तो प्याज व्याज भूज रहे हैं। और दोस्तों हम लोग का गाड़ी लाइन में एक सिस्टम है, वो हर आदमी का एक सिस्टम होता है, तो हमारा लोग में भी एक सिस्टम होता है। क्या है कि जो जानकार ड्राइवर है, पुराना ड्राइवर है, वो लोग ये सब चीज़ करता है। जो नया ड्राइवर लोग हैं उन लोग के लिए भी जानकारी दे दें, जिनको नहीं पता वो बता देते हैं कि देखिए गाड़ी में हम लोग कई बार कुछ महंगा माल भी लोड होता है, कुछ सस्ता माल भी लोड होता है। तो आदमी हम लोग जब सूरत चलते थे, पहले सूरत भी चले हैं, तो सूरत से कपड़ा लोड करते थे, तो कपड़ा लोड करते थे तो वो फैक्ट्री वाला या ट्रांसपोर्ट वाला भी आइडिया लगाता था कि आदमी पहले ये माल भरा है कि नहीं भरा है। जैसे कि कपड़ा हो गया, परचून माल बोलते हैं उसको, कुछ अल्मीनियम वगैरह, तांबा पीतल, ये सब भी लोड होता है बहुत से गाड़ी में। तो ये सब जब लोड होता है तो ड्राइवर का काम है कि अपना किसी दोस्त यार को या खलासी जो है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको भी ये चीज़ सिखाया जाता है। हम सिखाते हैं कि बाबू कभी भी अपना दोस्त यार को, किसी को ये जानकारी मत देना कि हमारे गाड़ी में क्या लोड है और अभी हम लोग कहाँ है। इस टाइप का कई एक्सीडेंट धोखा हो चुका है, हमको बता देते हैं। ऐसे सिर्फ शेयर इसलिए कर ले रहे हैं कि आगे कोई हमारे ड्राइवर भाई है तो इस चीज़ का जानकारी रखे। हमारा खाला जो है रोहित खलासी, इससे पहले भी कहीं रहा है, तो सबको हम बोल चुके हैं कि देख बाबू अपना गाड़ी में अगर माल कोई लोड होता है तो अपना किसी भी दोस्त यार को फ़ोन करके ये मत बताना कि हमारे गाड़ी में क्या लोड हुआ है और कहाँ जा रहे हैं और अभी हम लोग कहाँ है। इससे क्या होता है कि मेरे आँख के सामने का देखा हुआ एक चीज़ है कि रायपुर से एक बार लोड हुआ था दाल, राहर दाल महंगा होता है जो भाटापाड़ा से लोड होता है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसका जो कनेक्टर है वो अपना किसी दोस्त यार को फ़ोन करता था कि भाई कहाँ है अभी, तो यहाँ है, क्या माल लोड किया था, ये लोड किए, कहाँ का लोड किया, ये की यहाँ का लोड किए हैं। तो उसी टाइप का वो ड्राइवर के विषय में बताता था कि जैसे हमारा नाम राजेश है, कनेक्टर बात किया को अपना आपस में बात कर रहा, लो दोस्त यार ही है, बात कर रहा है कि किसके साथ रहता है, तो राज भैया करके हैं उनके साथ। तो उसी टाइप का एक रास्ता में जा रहा था गाड़ी, तो उसी का ड्राइवर का नाम लेकर के एक आदमी आवाज़ मारता है साइड से, एक आदमी आवाज़ मारता है साइड से। तो वो ड्राइवर सोचा कि अरे यार मेरा नाम ले रहा है, इसका मतलब मेरा कोई पहचान का होगा, तभी आवाज़ मारा, तो रोक दिया ड्राइवर। तो आके बैठा, बोला क्या हो गया, अरे यार मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है तो जाना है सामान लाने के लिए, तो जाना है हमको सामान लाने के लिए। तो वो ड्राइवर उसको बिठा ले, वो ड्राइवर उसको पहचान नहीं पा रहा, लेकिन नाम उसका बोला तो वो उसका आइडिया लगा रहा है कि हमको पहचानता होगा, तभी भले हम भुला रहे लेकिन वो जानता होगा, इसीलिए हम बैठा लिए। तो फिर रात में होटल पे रोका ड्राइवर, बोला कि इधर तो जाएंगे नहीं, एरिया ठीक नहीं है अभी, तो सुबह जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, सो जाते हैं। फिर सो गया सुबह, तो सुबह सो गया तो 4 बजे सुबह वही आदमी उसको जगाता है कि चलो चलो 4 बज गया, चलो वो चला लेकर के। तो आगे गया तो वो लोग, दो गाड़ी था, एक गाड़ी और पीछे से भी आ गया था उसी होटल पे। गाड़ी का फिर कुछ चलने के बाद स्पीड बढ़ गया गाड़ी का ज़्यादा, तो ड्राइवर पूछा कि साला पिछला ड्राइवर बोल रहा है कि इतना स्पीड काहे भगाने लगा गाड़ी वो। तो गाड़ी के अंदर क्या कांड हुआ था कि ड्राइवर को गोली मार दिया था, ड्राइवर गोली मार के उसको वहाँ से स्टेयरिंग से हटा दिया था इधर, और खुद बैठ के गाड़ी को भगाने लगा था। कंडक्टर जो था वो बैठा हुआ था यहाँ पे, उसको कैप्चर किया हुआ था पीछे, एक आदमी और था, दो जने था वो लोग, वो कैप्चर किया हुआ था। खलासी का दिमाग काम किया, गेट खोल के कूद गया, तो कूदने के बाद वो खलासी तो बच गया। तो फिर वो पीछे से जो गाड़ी आ रहा था उसको बताया कि यार ड्राइवर को कर दिया, तो ड्राइवर फ़ोन लगा दिया सेठ को, सेठ का दिमाग काम किया तो सेठ नाकाबंदी करवा दिया आगे वाला शहर में कि फ़ोन कर दिया, कैसे बात है मेरा गाड़ी साहब ड्राइवर साहब हादसा हो गया। तो उस दिन पुलिस पूरा ढूंढा, ये रांची का केस है, तो रांची में पूरा ढूंढा, सब तरफ पुलिस था लेकिन कहीं वो गाड़ी नहीं मिला। तो सब सोचा कि गाड़ी लगता है, लेकिन गाड़ी क्या हुआ था कि जब सुबह हुआ तो गाड़ी एक जगह मिला रांची में ही,
लेकिन जब देखता है तो गाड़ी के अंदर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो यही जानकारी क्या हुआ था कि बाद में पता चला था कि खलासी जो है वो बताया था अपना किसी दोस्त को, वो सेटिंग किया किसी और को, ड्राइवर नाम है ये है। तो हम लोग कभी भी ऐसा माल अगर लोड करते हैं तो हम लोग जानकारी नहीं देते हैं कि क्या माल लोड है क्या नहीं, ऐसे तिरपाल मारना ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है कि अनजान आदमी को बिठाना भी नहीं चाहिए गाड़ी में, अनजान आदमी हम लोग नहीं बिठाते हैं गाड़ी में कि भाई बहुत चीज़ सुहाने वाला चीज़ ऐसा होता है। पर एक बार मेरे साथ में हुआ था, रात के 2 बज रहा था, रायपुर पार करने के बाद एक जगह आता है, वो करीब हमको लगता है कि रायपुर से सरायपाली रोड पर है और वो पिथौरा के पास थोड़ा जंगल पड़ता था। तो रात के 2 बजे हम जा रहे थे गाड़ी लेके, एक बाइक वाला आया साइड से, 2 जन था उसमें, तो एक जन देखा ऐसे मुड़ के हमको, पीछे वाला आदमी देखा, आगे वाला बाइक चला रहा था और मेरा गाड़ी का आगे में चलने लगा वो धीरे धीरे, रास्ता थोड़ा ख़राब था, धीरे धीरे चलने लगा। तो हमको लगा कि कुछ बदबू आ रहा था, तो बदबू आ रहा था, हमको लगा जंगल में कुछ मरा हुआ जानवर महक रहा है, लेकिन मरेगा महकेगा तो कितना, थोड़ा देर के लिए महकेगा, लेकिन वो क्या हुआ था कि वो आदमी को देखे जांग पे कुछ रखा हुआ था, वो उसका हवा आ रहा था ऐसे, और ये हम लोग बीच में खिड़की रहता है यहाँ पे, उसके ज़रिए हमको लग रहा था। तो हमको कुछ अंदर से सांस रुकने जैसा महसूस हो रहा था, लग रहा जैसे सांस रुक रहा है, तो हमको लगा कि शायद हमको ऐसा हो रहा है तो मेरा कंडक्टर ठीक होगा। कंडक्टर से पूछे हम कि भाई कैसा लग रहा तुमको, तो कंडक्टर का आवाज़ सुन के हम बहुत ज़्यादा डर गए, कंडक्टर हमसे ज़्यादा बेहोश था। तो हमको आइडिया लग गया कि सामने बाइक वाला कुछ कर रहा है, बस हम एक्सीलेटर और दबा दिए कि उसके ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन वो एक्सीलेटर वो समझ गया, वो फिर गाड़ी भगाने लगा, बाइक लेके भगाने लगा, फिर हम स्लो कर दिए। जब वो भगाने लगा तो हम स्लो कर दिए, फिर एक गाड़ी वाला आया आगे से, उसको हम हाथ मारे, बोले भैया यहाँ से होटल कितना दूर है, क्या हो गया, हम ऐसे बात है। तो बाहर का कुछ हवा लगा हमको, थोड़ा सा फ्रेश लगा, हम गाड़ी रात में ढाबा पर रात भर फिर खड़ा कर दिए, फिर सुबह उठ के वहाँ से गए। तो वो ऐसा वहम हो गया मेरे में कि अगर मेरे सामने कोई बीड़ी पीता था या अगरबत्ती का भी सेंट आता था ना, तो हमको ऐसा महसूस होने लगा था। फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो दवा दिया, बोला नहीं आपको वहम हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों यही सब चीज़ कि अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं कहीं, तो किसी को पूरा जानकारी नहीं देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या माल है क्या नहीं, ये सब चीज़ से आदमी लग जाता है पीछे। तो भाई हम नया नए जो ड्राइवर लोग हैं उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि भाई ये गाड़ी में बहुत सा माल ऐसा लोड होता है। ऐसे एक चाय वाला हमसे पूछ बैठा था, वो चाय वाला हमसे पूछ बैठा कि उस्ताद कहाँ जा रहे हो, क्या माल है। हमने उससे, तुमको माल से क्या मतलब है, ये मेरा मसाला का डब्बा बना है, सारा मसाला भी इसी में रहता है। तो उसको हम बोल दिए थे भाई माल से तुमको क्या मतलब है, चाय पिलाया है, पैसा लो, अपना बात ख़त्म करो, माल क्या मतलब पूछना, कल दिन कोई हादसा हो जाएगा मेरे साथ तो हम तो बोल देंगे कि वही चाय वाला हमसे पूछा था, तो भाई आप झूठ मूठ को फंसोगे कि नहीं। इसीलिए क्या मतलब है, क्या माल है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम सब्जी बना रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम किया हुआ है, बारिश भी हो रहा है, चलो थोड़ा सा अंडा कड़ी बन जाए। दोस्तों मेरा अंडा कड़ी बन चुका है, अब चले खाना खाने। ये निकाल रहा है मेरा अंडा कड़ी, थोड़ा आलू वगैरह दे के बना है, अपना इच्छा है आलू डालो नहीं डालो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तो दूसरा दिन है हमारा, तो गाड़ी तो लोड नहीं हुआ था, आज हो जाएगा लोड। ठीक है दोस्तों, आगे जब लोडिंग होगा तो उसका आगे का आपको बताएंगे दिखाएंगे अगले ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक को यहीं एंड करते हैं, तब तक लिए बाय दोस्तों।